प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं राम आशीष गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 के बच्चे पढ़ेंगे हिंदी काव्य के अंतर्गत श्रद्धा और मनु का सात भाग। जो सात भाग है वो हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज आठवां भाग आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग इस आठवें भाग के पद को पहले पढ़ें, उसके बाद उसकी व्याख्या को आप लोगों के समझ मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए आप देखते हैं। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सके तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। समर्पण लो सेवा का सार, सजग संस्कृत का यह पतवार, आज से आजीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विगत विकार। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। जो अगंतुक अर्थात श्रद्धा है, अपरिचित अर्थात मनु से कह रही है, क्या कह रही है? हे मनु, करे हे अपरिचित, हे मनु, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। ये मत सोचो ये पूरा ब्रह्मांड है और सिर्फ अकेला मैं, ये मत ऐसे अपने को मत समझो, ऐसे तुच्छ विचार अपने हृदय में मत लाओ। तुच्छ विचार ऐसे अपने हृदय में तुच्छ विचार को ना लाओ। अकेले तुम कैसे असहाय, तुम ये सोच रहे हो मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ और मैं यजन कैसे कर सकता हूँ, अर्थात यज्ञ कैसे कर सकता हूँ। यज्ञ का अर्थ यहाँ से है, यजन का अर्थ यहाँ से है कि मैं अपने जैसे मानव का विकास मैं कैसे कर सकता हूँ जबकि अकेले हैं, अकेले से कुछ नहीं हो सकता। कम से कम किसी भी रास्ते पर, चाहे जीवन का रास्ता हो चाहे कोई भी रास्ता हो, उसमें पति पत्नी का होना अनिवार्य है। और तुम ये सोच रहे हो मैं अकेला हूँ और मैं इस जीवन रूपी पतवार को कैसे पार करूँगा, ऐसे मन में जो तुच्छ विचार आ रहे हैं उसको त्याग दो। अकेले तुम कैसे आता है यजन कर सकते तुच्छ विचार, तुम ये सोच रहे हो मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ, मैं कैसे यज्ञ कर सकता हूँ। यज्ञ करने के लिए पति पत्नी दोनों आवश्यक है, बिना पति पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। कभी भी यज्ञ अकेले या यज्ञ हवन पूजन जो भी होता है अकेले नहीं होता, पति पत्नी का साथ होना अनिवार्य है। तो तुम ये सोच रहे हो मैं यज्ञ को पूर्ण कैसे करूँगा, इस जीवन रूपी यज्ञ को कैसे पूर्ण करूँगा और मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ, ये तुम्हारे मन में जो तुच्छ विचार आ रहे हैं उस तुच्छ विचार को त्याग दो। तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। फिर कह रही है ये तपस्वी, तुम आकर्षण से ही हो, अर्थात तुम अपने पास जो दिख रहा है उससे तुम दूर हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो, उस चीज को तुम भली भांति से जान नहीं पा रहे हो, कर सकते नहीं आत्मविस्तार। इस प्रकार तुम अपने आत्मा का विस्तार नहीं कर सकते, बल्कि तुम अपने को तुच्छ न समझो, ये कहो जे अकेला हूँ लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इस तब तुम्हारे आत्मा का विस्तार होगा और इस यज्ञ को, इस जीवन रूपी यज्ञ को तुम पूर्ण कर लो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजग संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्तर इसी पत्तल में विगत विकार। फिर कह रही है श्रद्धा, समर्पण लो का एक अर्थ ये होता है अपने को समर्पित कर देना, अपने को भेंट कर देना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर
समर्पण का अर्थ प्रतिज्ञा से भी है। तुम प्रतिज्ञा लो सेवा का सार, तब तुम प्रतिज्ञा लेकर सेवा करो तब उसके तत्व को जानोगे। सार का अर्थ होता तत्व, सेवा को जानते हैं। तुम ये प्रतिज्ञा करो, ये प्रण करो कि मैं लोगों की सेवा, मेरा जीवन लोगों की सेवा में है, तब इसके तत्व को तुम जान पाओगे। सजल संस्कृत का यह पतवार, तब ये सजल संस्कृत जो पूरा ब्रह्मांड, जो पूरी संस्कृत, ये पूरी सृष्टि जो जलमग्न हुई है, तब उस पर पतवार का काम कर सकते हो। तब उस जलमग्न पृथ्वी पर, उस जलमग्न सृष्टि पर तुम खेवन हार बन सकते हो, तुम पतवार का काम कर सकते हो। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्थर में विगत विचार। फिर कह रही है, अगर ऐसे तुम कर लेते हो आज से यह जीवन उत्सर्ग, तो तुम्हारे जीवन के को विकसित करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज ही से तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये मत सोचो ये तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, अर्थात तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर तुम्हारे यजन में, यज्ञ में, चाहे जीवन रूपी, चाहे जीवन के रास्ते में, चाहे जीवन के विकास में, हर वक्त मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसी पत्थर में विगत विकास, और तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे इसी पैर में, इसी पद में, इसी चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दूंगी। यहाँ है विगत विकार, अर्थात अपने जीवन को समर्पित कर दूंगी, अर्थात मैं अपने को आज ही से, मैं अपने इस पूरे जीवन को, मैं अपने इस शरीर को आज तुम्हारे पैरों में समर्पित कर रही हूँ। फिर आगे देखें, समर्पण लो सेवा का सार, सजग संस्कृत का यह पतवार, आज से आजीवन उत्सर्ग इसी पत्थर में विगत विकार। तुम समर्पण लो, तुम प्रतिज्ञा करो, और समर्पण लो का अर्थ एक ये भी है, मैं तुम्हें अपने को तुम्हें समर्पित करती हूँ, तुम मेरा समर्पण को स्वीकार करो, क्योंकि आज से मैं अपने को तुझे सौंपती हूँ। समर्पण लो, आज मैं अपने को तुझे सौंप रही हूँ, और यही, और तुम्हारे साथ जो भी सेवा होगा उसको मैं करूँगी, तभी इसके तत्व को तुम समझ पाओगे कि क्योंकि ये जीवन रूपी नैया को चलाने के लिए पति पत्नी का होना अनिवार्य हो, और केवल तुम अकेले बचे हो, इसलिए मैं तुम्हारे अर्धांगिनी बनूंगी और तुम्हारे जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाऊंगी। सजल संस्कृत का यह पतवार, और ये जो पृथ्वी, ये जो पूरी सृष्टि जो है जलमग्न है, और इस जलमग्न पृथ्वी पर को पर हम दोनों मिलकर एक खेवन हार का काम करेंगे, एक पतवार का काम करेंगे, अर्थात इस जीवन से हम लोग पति पत्नी मिलकर अपने मानव संस्कृति का उद्धार करेंगे, अर्थात मानव का विकास करेंगे, अर्थात हमारे जो नन्हे मुन्ने फूल खिलेंगे उससे मानव का विकास होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे सृष्टि में पूरी सृष्टि मानव से भर जाएगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्थर में विगत विचार, आज से मैं अपना जीवन तुम्हें सौंपती हूँ, तुम्हें इसे तुम स्वीकार करो, और अपने चरणों में मेरे इस जीवन को जगा दो, अपने चरणों में मुझे जगा दो और मुझे स्वीकार करो, मैं आज तुम्हें तुम्हारे चरणों में अपने को सौंप रही हूँ। तो बच्चों, आप लोग इस पूरे पद की व्याख्या को सुने हैं, अब फिर एक पद लिख करके उसकी व्याख्या को मैं बता रहा हूँ। फिर आप लोग देखिए, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और या क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान,
शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय भीम। फिर श्रद्धा आगे कहती है मनु से क्या कर रही है, बोलो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी युवा बेल। कह रहे इस प्रकार मुझे स्वीकार करके इस सृष्टि के मूल रहस्य बनो, इस सृष्टि के मूल कर्ता धर्ता बनो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले तुम मनु बनो, अर्थात इस सृष्टि के जीव मानव के जीवन विकास का कर्णधाता बनो। बोलो सृष्टि के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी युवा बेल। फिर कह रही है तुम्हें से फैलेगी युवा बेल, अर्थात तुम वो वृक्ष हो जिसे बहुत सी लताएं, बहुत से फल फूल और बेलें तुमसे निकलेंगी और फैलेंगी, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर से, जिससे विश्व भर सौंदर्यता से भर जाए, सौंदर्यता से परिपूर्ण हो जाए, विश्व भर सुंदरता से अर्थात विश्व सुंदरता से भर जाए, और तुम उस खिले हुए सुंदर सुंदर सुमनों से, खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों फूलों के साथ तुम खेल सको। ये तो जो पद है उसको बता रहे थे, अब इसके इसका रहस्य क्या है, रहस्य को बताने जा रहे हैं। फिर कह रही है श्रद्धा कि बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्हीं से फैलेगी युवा बेल। कह रही है मनु से श्रद्धा, हे मनु तुम इस सृष्टि के सृष्टि में मानव के विकास का कारण बनो, अर्थात तुम्हारे ही द्वारा मानव की संख्या की वृद्धि होगी, अर्थात हम दोनों मिलकर क्या मानव का विकास करेंगे, अर्थात हम दोनों मिलकर बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे से उनके बच्चे, उनके बच्चे से उनके बच्चे, इस प्रकार पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पर हमारे बच्चों की किलकारियाँ से भर जाएगी, और पूरा ब्रह्मांड इस छोटे छोटे पूरा सृष्टि इस छोटे छोटे फूलों से, सुंदर सुंदर किलकारी भरे फूलों से खेली दी, किलकारी भरे फूलों से ये पूरा सृष्टि जो है अपने सुंदरता को पूर्ण करेगी। फिर एक बार देखें तुम्ही बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ में भर से भर जा, सुमन के खेलो सुंदर खेल। करे श्रद्धा मनुष्य तुम सृष्टि के मूल कर्णधाता बनो, सृष्टि के मूल रहस्य तुम ही बनो, और तुम्हारे ही द्वारा हम दोनों के मिलन से एक जो शिशु रूपी बेल खिलेगी, हम दोनों के मिलन से जो शिशु रूपी बेल खिलेगी वह, और उस बेल से बहुत से शिशु रूपी बेलें खिलेंगी, इस प्रकार पूरी सृष्टि सौंदर्य से भर जाएगी, और तुम उसके सुमनों से, छोटे छोटे बच्चों के किलकारियों से और उनके सुंदर सुंदर खेलों से खेलते रहोगे, अर्थात उनके किलकारियों से पूरा विश्व भर जाएगा, और तुम उनके साथ खेलते रहोगे, अर्थात हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आगे देखो, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय भीम। फिर कह रही है अरे क्या तुम सुन नहीं रहे हो, मेरी वाणी को, मेरे बातों को तुम सुन नहीं रहे हो। फिर कह रही है और यह क्या सुनते नहीं, क्या तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, चाहे मेरी बातों को चाहे विश्व के जो गूंजमान बातें हैं जो तुम्हारे कानों से टकरा रही हैं, जो ध्वनियाँ, उन ध्वनियों को तुम सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हो। विधाता का मंगल वरदान, ये विधाता का मंगल वरदान है कि मैं तुमसे आकर मिली, अर्थात तुम इस जलमंद सृष्टि में अकेले थे, तुम एक अकेले पुरुष मात्र थे, लेकिन मैं तुमसे आकर मिली, अर्थात एक स्त्री मैं हूँ, एक पुरुष तुम है, और जब हम दोनों लोग दंपति हो जाएंगे तब हम लोग मानव का विकास करेंगे, हमारे द्वारा जो संतानें उत्पन्न होंगी, उन संतानों के जब संतानें उत्पन्न होंगी तो इस प्रकार
पूरे ब्रह्मांड उनके किलकारियों से भर जाएगा, उन छोटे छोटे सुमनों से खिल जाएगा। विधाता का मंगल वरदान इस प्रकार तुम उस विधाता का, उस सृष्टिकर्ता का, वही विधाता ब्रह्मा, उस सृष्टिकर्ता के मंगल वरदान को समझ नहीं पा रहे हो कि उस विधाता ने तुमसे मुझे मिलवाया है, अर्थात उसी विधाता के कारण ही मैं तुमसे आज यहाँ मिली हूँ। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, तुम शक्तिशाली पुरुष हो, तुम्हारे भुजाओं में अभी बल है, तुम्हारे भुजाओं में बल है, तुम बहुत शक्तिशाली हो, इस प्रकार तुम विजयी बनो और तुम अपने कर्म द्वारा, अर्थात मुझे अपना करके अपने कर्म द्वारा इस मानव के जीवन रूपी युद्ध में विजय को प्राप्त करो और विश्व में गूंज रहा जयगान। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड ने पूरे विश्व में तुम्हारे जय जय की गान गूंजेगी, तुम्हारे जय जय की गान गूंज रही है, इसलिए श्रद्धा मनु से कह रही है, हे मनु तुम मुझे स्वीकार करो और सृष्टि के विकास में सहयोग दो। जब मुझे स्वीकार करोगे तभी जीवन, मानव जीवन के विकास में हम सहायक होंगे, और जब हमारी संतानें होंगी, उन संतानों की संतानें होंगी, उनकी संतानें होंगी, इस प्रकार पूरा विश्व शिष्य रूपी किलकारियों से भर जाएगा, अर्थात उस सुमन रूपी सौरभ से भर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग सरदार मनु के इस पद को की व्याख्या को सुने हैं, हमें आशा यही करते हैं इस पद की व्याख्या आप लोग समझ लिए होंगे। अभी इसके बाद अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।